नमस्कार दोस्तों, चैनल हिमाचली रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, आज हम बनाएंगे एंकली और एंकलू, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर पकवान है। हमारे हिमाचल में जो है दिवाली और लोहड़ी पे खासकर इसको बनाते हैं। अभी चलिए हम बनाएंगे, बताती हूँ मैं इसकी विधि। ये एंकलू, इसे हम एंकलू कहते हैं, जो ये गोल गोल बने हुए हैं, और इन्हें हम एंकली कहते हैं। एंकली की वीडियो तो मैंने पहले भी डाल रखी थी, लेकिन उसमें मैं आटा को बनाना नहीं बता सकी थी, तभी मैं अभी दोनों को एक साथ बता रही हूँ। ये हमने एक बॉल में आटा ले लिया है, चावल का आटा है ये। अभी इसमें मैं धीरे धीरे पानी डालूंगी। इसमें जो है आराम से घोलते रहेंगे, और इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल मुलायम और आटा ठीक से बनना चाहिए, घोलना पड़ेगा काफी टाइम तक। ऐसा घोल बना लेंगे। अभी ये हो चुका है, इसमें गुठली बिल्कुल नहीं है। हम जितना भी इसको फेंटेंगे उतना ही हमारी अच्छी रोटी बनेगी, अच्छा पकवान बनेगा। इसको काफ़ी टाइम तक ऐसे ही 5-7 मिनट के लिए इसको अच्छे से फेंट लेना चाहिए, और मैं 10 मिनट के लिए इसको ऐसे रख दूंगी ताकि आटा ठीक से फूल जाए। अभी तवा हमारा गर्म हो गया है, अभी थोड़ा कम आंच कर देंगे। पहले तो गर्म करेंगे, फिर थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए तवा इसके लिए। अभी आटा भी हो चुका है, 15-20 मिनट हो गए इसको घोले हुए। अभी मैं बनाना शुरू करूंगी। कॉटन के कपड़े पे तेल लगा के फिर इसको ऐसे ही घुमा देंगे ताकि हमारी एंकली जो है ठीक से निकले। अभी मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। इसमें मैंने वो आटे का घोल डाल दिया बर्तन में, और इसे से धीरे धीरे हम आराम से बनाते जाएंगे। जो चाहे डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया हमारा दिवाली और लोहड़ी स्पेशल पकवान। अगर आप चाहें तो, अगर आपको बड़े बड़े छेद लगे तो ऐसे फिर से घुमा सकते हैं इसके ऊपर। अभी इसका रंग चेंज हो गया है, हम देख लेंगे कि ये बदलने के लिए हो गई है। अभी देखिए, ये पलट दी हुई है मैंने। अभी हम इसको उठा लेंगे। अभी हो चुकी है एक बर्तन में। जितनी बार हम नई एंकली इस पे डालेंगे उतनी बार ही तेल वाला कपड़ा जो है उसको घुमाते रहेंगे, और साफ होके फिर ऐसे ही आराम से बनाएंगे। चलिए अभी आपको मैं एंकड़ू बनाना भी बताती हूँ। ये काफ़ी हो गए हैं, हमने ये थोड़ा ही गोल गोला है, एक या दो आदमी के लिए तो हो ही जाएगा। चलिए, ये हमारा बर्तन जो जिसमें हम एंकड़ू बनाते हैं वो गर्म हो चुका है। अभी हमने आंच कम कर दी हुई है। अभी इसमें डालेंगे हम ये जो छोटे छोटे छेद हैं, इनमें मैंने ऐसे ही सूती कपड़े में जो कॉटन का कपड़ा होता है उसमें तेल लगा के सारे में ऐसे ही पहले घुमा देंगे, ताकि हमारे एंकलू जो है नीचे नहीं चिपकने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ही चौ से इनको खाते हैं। ऐसे ही सारे छेदों में हम भर देंगे। बहुत छोटे छोटे छेद हैं, घर के है हमारा ये बर्तन। अभी इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, फिर देख लेंगे कि हुआ कि नहीं।
अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल वाला बटन भी जरूर दबाएं। चलिए अभी देखते हैं ढक्कन उठा के हुआ कि नहीं। देखिए अभी हो रहा है, इसमें छेद आ गया। अभी ऐसी वाली सिलाई हम लेंगे, पतले कोने वाली, और हम इसको ऐसे ही बदलते जाएंगे सारे को। इतना अच्छा निकल रहा है, तो ये सब बहुत ही पसंद करते हैं। त्योहारों पे हम बनाते हैं, ऐसे भी बना लेते हैं, अभी तो ऐसी कोई वो नहीं है। बहुत ही आसान है बनाना, आप जब चाहे बना सकते हैं, खा सकते हैं। और हम मुझे भी बताना कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। इसको हम उड़द दाल, जिसे माँ दाल कहते हैं, हम उसमें उसके साथ खाते हैं और दूध घी के साथ भी खाते हैं। आप चाहे चटनी सब्जी के साथ कैसे भी खाएं, बहुत टेस्टी लगेगी। ऐसे ही उल्टा करके आधा मिनट तक रखेंगे, फिर हम उठा लेंगे इसको। अभी हम इस बर्तन में इसको ऐसे ही उठा लेंगे। अब फिर से ही तेल, हम तेल वाला कपड़ा हम लगाएंगे, सारे में लगा देंगे। जो थोड़ा बहुत इसमें आटा पड़ा होता है वो भी इस कपड़े से साफ हो जाता है और तेल भी लग जाता है और हमारे अच्छे अंकुर निकलते हैं। ऐसे ही सारे को हम भरते जाएंगे और बाद में ढक्कन लगा के बनाते जाएंगे। और ऐसे ही सारे सबसे सारे आटे के हम बना लेंगे। अभी ये हो चुके हैं, अभी हम इसको भी बदल देंगे ऐसे ही। देखिए कितने आराम से निकलते हैं। ये हो गए हमारे गर्मा गर्म और टेस्टी एंकड़ू एंकड़ी तैयार। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये हमने बनाई है उड़द की दाल, आपने कैसे खाई मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों।